वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, अज असी जो दर्शन कर रहे हाँ गुरु घर दे, ऐ अंबाले तो कुछ की ही दूर श्री पंजोखरा साहब जी है। इत्थे सिखां दे अठवें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी आए सन। जब श्री हरकृष्ण साहब इत्थे आए तो एक पंडित जी ने किसी सिख नूं पूछिया कि ये कौन हन। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ये तो सिखां दे अठवें गुरु ने। तो पंडित जी दे मन च कुछ शंका आया, उन्होंने सिख नूं कहा कि ये तुहाडे गुरु गीता दे अर्थ करा सकते हैं। तो वह कहते जी सत है। जब महाराज कोल आए, वो एक गूंगे नूं लैके आए श्री हरकृष्ण साहब दे कोल। तो कहते, देखो तुसी फुल किन्ने सोहणे हन इत्थे लगे हुए। तो वह पंडित जी कहते कि महाराज एरे तो गीता दे अर्थ करा के दिखाओ। महाराज ने कहा, जे गुरु नानक साहब की नज़र हो जाएगी तो जरूर करेगा। महाराज ने वो गूंगे दे सिर उत्ते अपनी छड़ी रखी, तो गूंगा गीता दे अर्थ करने शुरू करन लग पिया। देखो दरबार साहब का अलौकिक नज़ारा। तो पंडित जी देख के बहुत हैरान होए और महाराज दे चरणा च गिर गए। श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। महाराज ने पता नहीं केड़ी केड़ी जगह जाके किन्ने ही लोकां दे दुखां नूं दूर कीता। अज तक इत्थे कोई भी शरदा नाल अमृत सरोवर तो जल छकता है। तो अज भी लोगों ने देखा है काफ़ी गूंगे बच्चे बोलन लग पैंदे हन। देखो किन्ने फुल ही फुल हन। गुरद्वारा साहब का दृश्य देखो, आ सरोवर साहब है। यह सरोवर साहब तो लोग अज भी श्रद्धा नाल लैके जाते हैं जल, अपने बच्चों छकाते हैं। तो शरदा दे इंक्लूड वो बच्चे जरूर बोलते हैं। महाराज सब दे दुखां नूं दूर रखन। अंदरों दरबार साहब का एक अलौकिक नज़ारा देखो। देखो गुरु घर दे अलौकिक नज़ारे, दरबार साहब का जुगो जुगो टल। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, यह भोरा साहब है जी। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ और महाराज दे गुरु घर आंदे दर्शन कराते रहिए। महाराज सारी संगत दे दुखां नूं दूर करन, सब दे बच्चियां नूं दरे दे अरोगता बख्शन। ऐ देखो कार सेवा वाले बाबा जी काम करवा रहे हैं कार सेवा दा, और संगतां बहुत उत्साह नाल लंगर छक रही हैं। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।